तो हाय एवरीवन, दिस इज जावास तोफिक, सेकेंड ईयर MBBS SMCH और नीट 2024 के लिए आसाम में ऑलरेडी मैं आप लोगों को जो राउंड वन में कट हो गया था उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो नेक्स्ट एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर राउंड टू, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और कॉलेज वाइज कट ऑफ आफ्टर राउंड वन, पहले के चार टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में ही बात कर लेंगे, बिकॉज बाकी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में तुम खुद भी पता लगा सकते हो। आई यूज़ माई टाइम टू डू ऑल दोस फोर, ओके। और गवर्नमेंट स्कूल कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल कट ऑफ किस कैटेगरी के लिए कितना गया है और सब कैटेगरीज को मिला भी है या नहीं, इसीलिए ठीक है। सो स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट ऑल अपडेट्स और बेल आइकन को प्रेस कर देना, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, डोंट मिस एनी वीडियोस। @JavasTofik इज द इंस्टाग्राम आईडी और JavasTofik इज द टेलीग्राम आईडी। अभी 1000+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सो थैंक यू फॉर दैट एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीट 2024 में आसाम में राउंड वन में कट ऑफ कितना गया है GMC AMC SMC और JMC, इनके लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। सो एक जनरल ट्रेंड इस साल का यही रहा है कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का ज़्यादा गया है, उसके बाद आसाम मेडिकल कॉलेज का, विच इज़ मतलब एंटिसिपेटेड, उसके बाद जोरहाट मेडिकल कॉलेज का और उसके बाद SMC सिलचर मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। सो जनरल करिए आप देख सकते हो कि GMC में 670, AMC में 657, JMC में 648 और SMC में 646, लाइक इट्स गोइंग रियली हाई, मतलब मुझे पता है, पर राउंड टू में मेरे हिसाब से कमने वाला है, एक सिग्निफिकेंट मार्जिन जनरल का कमेगा, ठीक मतलब कम होगा, ठीक है। EWS का 669, 657, 647, 645, EWS और जनरल में बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस है, इधर तो डिफरेंस है ही नहीं, बिकॉज क्या हुआ है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ EWS सीट्स है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है, गवर्नमेंट स्कूल कोटा वालों, उनको मिल गया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास चला गया है, उनके पास EWS भी था और उनके पास गवर्नमेंट स्कूल कोटा भी था, जिसकी वजह से उनको दोनों का बेनिफिट मिल गया है, ठीक है। OBC मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है ना, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ तुम्हें। OBC NCL में 605 गया है, GMCH में, AMCH में 573, JMC में 564 और SMC में 549, SC के लिए 625, 585, 568, 566, ओके, इट्स लाइक रियली हाई, आई नो इट्स रियली हाई। 625 तक चला गया है SC का कट ऑफ GMC के लिए, आई नो द टाइम आर गोइंग टू बी टफ। ST प्लेन्स के लिए 562, 535, 515 और 499, STLs के लिए 518, 481, 440 और 436, तो शायद पता चल गया होगा। अब गवर्नमेंट स्कूल कोटा के बारे में बात कर लेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कट ऑफ कितना गया है, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट्स का। सो जनरल के लिए इट्स 498, मतलब लास्ट तक 498 वालों को मिला है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। ये रहा 608 मार्क्स में चल रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, एक सेकेंड, स्टे विद मी। एकदम नीचे ही आ गए हम लोग, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, कहाँ गया, हाँ हियर इट इज, ये देखो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज, स्टेट रैंक 2928 और स्कोर 498, तो समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब EWS में 515 तक गया है और OBC में 498, OBC में भी 498 तक गया है, मतलब एक या दो स्टूडेंट्स को ही मिला है OBC में। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट स्कूल कोटा है इट वाज लाइक मतलब EWS और जनरल, इन दोनों को मतलब ज़्यादा मिला है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल कोटा में, मतलब स्टूडेंट्स को। OBC में कुछ लोगों को मिला है और SC ST प्लेस और ST उसमें किसी को भी गवर्नमेंट स्कूल कोटा के थ्रू कोई कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, मतलब किसी ने भी मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाया, डेफिनेटली दे हैव देयर ओन कैटेगरी, सो उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अब देखो नीट 2024 आसाम में राउंड का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। सो उससे पहले कुछ फैक्टर्स जान लेते हैं, डेफिनेटली ये वाले फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखो AIQ में से बेटर कॉलेजेस ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स ले लेंगे, ठीक है, ये दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, पहले चले जाते हैं हम लोग एकदम। सो इधर देख सकते हो यहाँ के जो पहले के जो सीरियल नंबर 20 तक है, इनमें से मतलब जो लोग हैं इनको जब राउंड टू में ऑल इंडिया के राउंड टू में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा थ्रू AIQ, देन दे में गो अवे, ओके। सो दिस विल ब्रिंग अ डिफरेंस, और उसके बाद क्या होगा कि ये वाले जो सीट्स है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के, ये सब खाली हो जाएंगे, दे विल बिकम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के, दे विल बिकम वैकेंट, और उसके बाद इसमें फिर से अपग्रेड होने के बाद जो AMC में लास्ट में स्टूडेंट्स थे वो उन लोग को ये सीट मिल जाएगा, ठीक है, AMC में जनरल वाले स्टूडेंट्स को। सो ऐसे करते करते 20 सीट्स जनरल के लिए निकल गई, दिस विल बी प्योर जनरल सीट्स, ओके, प्योर जनरल सीट्स।
उसके बाद PWD के लिए 67 सीट्स अलॉट हो चुके हैं। हर साल क्या होता है कि PWD का पहले वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है। तो वेरिफिकेशन में ऐसा होता है कि 2023 में अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ था कि सिर्फ 18 स्टूडेंट्स को PWD मिला था और टोटल सीट्स था 67। तो बाकी सीट्स जो है वो बाकी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे ऑटोमेटिकली, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है तो PWD नहीं मिला किसी को। पर इस साल क्या हुआ है कि सबसे पहले ही ऑल अलॉट कर दिया है, जिसके बाद क्या होगा कि पर 2 सितंबर को क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा और 3rd से 5th सितंबर तक तुम लोगों का एडमिशन है, तो उससे पहले वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसके बाद चांसेस है कि 20 को सिलेक्ट करे और बाकियों को रिजेक्ट कर दे, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल कि PWD में बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जनरल के लिए हम पकड़ सकते हैं कि जनरल के लिए नहीं, बस इन जनरल 40 सीट्स खाली हो गए, ठीक है, वैकेंट सीट्स फॉर द नेक्स्ट राउंड। उसके बाद NRI सीट्स है, ये NRI के जो सीट्स है ये वाले स्टिल दे आर चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, मतलब अभी इनका रिलेटेड कोई जजमेंट नहीं आया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट टेम्पोरली ये दे दे पर फिर भी उनको ये रिमूव करना पड़े, ठीक है। तो इससे पहले ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को कंप्लीटली NRI कोटा रिमूव करना पड़े, जिसके बाद क्या होगा कि इफ NRI सीट्स गेट कैंसल्ड सो टोटल 80 सीट्स हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली राउंड टू के लिए सीट मैट्रिक्स में, ठीक है, जिसमें से जनरल EWS OBC SC ST सबका ही बांट रहेगा, जिसमें से मेरे हिसाब से जनरल के लिए अप्रोक्सीमेटली 45 सीट्स रह सकते हैं, 45 टू 50 सीट्स, ठीक है, मतलब मैक्सिमम सीट जनरल और EWS के लिए रहेंगे, ठीक है। तो इन आसाम नीट 2024 राउंड 2 राउंड 3 एंड स्टे राउंड जनरल और EWS का कट ऑफ जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होगा, बाकी कैटेगरीज का जो है मतलब सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होगा, बाकी OBC SC ST प्लेन्स और हिल्स का जो है वो उतना सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है, मतलब उतना सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं होगा, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। अब देखो ये रहा कट ऑफ इस साल का फॉर नीट 2024 राउंड 2 आसाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जनरल के लिए इट विल बी अराउंड 612 मार्क्स टू 614 मार्क्स और EWS के लिए इट विल बी अराउंड 611 टू 613 मार्क्स। और अप्रोक्सीमेटली मैं आप लोगों को इधर भी दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया था, ये देखो जनरल के लिए दिस इज द कट ऑफ आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, 614 मार्क्स, रैंक 692 स्टेट रैंक, और ये रहा ये वाला कॉलेज, यहाँ तक जा सकता है जनरल के लिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है। सो 612 से लेके 14 तक मैंने एक रेंज ले लिया है, क्योंकि अगर बाय चांस और भी सीट्स आ जाए जनरल में, जो हो सकता है अनरिजर्व में आ सकता है, विच इज़ वेरी मच प्रोबेबल, तो ये हो सकता है, ठीक है। और EWS के लिए 613 705 स्टेट रैंक, और ये रहा, ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, सो ध्यान में रख लेना। एंड प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग एडमिशन, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे एडमिशन के रिगार्डिंग, सो अच्छे से देख लेना, दिस सीरीज ऑफ वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस देम, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।